है कि रशिया को अगर ब्रह्मोस मिल जाए तो फिर उनके लिए जीत बहुत आसान हो जानी है। ये इंडिया को भी पता है और ये पूरी दुनिया को भी पता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है और उसका जो एक मतलब जो मैन्युफैक्चर का जो तरीका है वो उससे सबको ही वाकिफ है। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है और इसमें देखिए ब्रह्मोस में एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट इंडिया का है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल एक रहता ही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं आती है कि ऋग्वेद ने ये बताया था कि सनातन और हिंदू धर्म पहले आया था, तो उसी तरीके से मुझे ब्रह्मपुत्र हुआ, भगवद्गीता हुई, बाइबल है या आप रामायण है या चाणक्य की जो स्टोरी है वो है, इन सब चीजों को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है। स्वीडन में जब कुरान जलाया गया था और स्वीडन में घुसपैठियों ने जब मुसलमान घुसपैठियों ने जब वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचाया था, तब पाकिस्तान की सरकार से लेकर के पाकिस्तान की जनता और जितने भी आपके बड़े बड़े दाढ़ी और टोपी वाले हैं वो सड़कों पर नजर आए थे एहतजाज करते हुए। जब मंदिर तोड़ी गई, 150 साल की मंदिर को जब तोड़ा गया पुलिस की निगरानी में खड़ा करके, तब ऐसा कोई जुलूस निकला क्या आपके पाकिस्तान? जिन्ना के जमाने से हजारों मंदिरें तोड़ दी गई। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या ये कोई नई बात है? हजारों केसेस तो आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान के जो कमीशन है उन्होंने रखे हैं तथ्य सामने। क्या सीमा को हमने बुलाया था? क्या सीमा को हमने रखा हुआ है? क्या सीमा को हमने कहा था कि मोहब्बत कर लो? हमें तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तानी लड़कियां अपने शौहर के साथ खुश नहीं रहती हैं बिस्तर पर, ये तो हमें पता भी नहीं था। ये तो सीमा हैदर की वजह से हमें पता चला कि 4-4 बच्चे पैदा करने के बाद पाकिस्तान की बहू बेटियां ये कहती हैं कि मेरा पति हम ही है। कि इंडिया हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से कदम बढ़ाता जा रहा है, चांद तक तो कदम रख लिया, पीछे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें रह गई होंगी, बट इंडिया की प्रोग्रेस में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो पीएम मोदी ने लिस्ट करके रखा हुआ है कि हमें ये सब अचीव करना है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो रशिया, यूएसए और इन कंट्रीज से अपने वेपन्स खरीदता है, मगर अब हमारी बड़ी बात जो सामने नजर आ रही है कि रशिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें मेड इन इंडिया ब्रह्मोस चाहिए, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक ऐसा कंट्री, यूक्रेन, रशिया सब भी वाकिफ है इस चीज से, उसके लिए रशिया जैसा मुल्क इंडिया से मांग रहा है। क्या कहेंगे इस पे? अभी हम सबको पता है रशिया की बहुत अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, वॉर, बैटल्स, जंग को जीतना, एक ईगो का भी इश्यूज है। ब्रह्मोस के बारे में, मैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी महविश के ब्रह्मपुत्र और मॉस्को को कंबाइंडली मिला करके ये मिसाइल बना था, जिसमें ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के कल्चर, वहाँ के इमोशन, वहाँ के अट्रैक्शन और रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया था। 200 से 300 केजी का ये आता है और हमारे अतुल राणा जी जो इस मिसाइल को लेकर के जो बात करते हैं, उन्होंने इस बात को अपने स्टेटमेंट में डिक्लेयर भी किया है कि रशिया ने हमसे मांगा है। अब देखिए ऐसा है कि रशिया को अगर ब्रह्मोस मिल जाए तो फिर उनके लिए जीत बहुत आसान हो जानी है। ये इंडिया को भी पता है और ये पूरी दुनिया को भी पता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड होती है और उसका जो एक मतलब जो मैन्युफैक्चर का जो तरीका है वो उससे सबको ही वाकिफ है। आजकल सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है और इसमें देखिए ब्रह्मोस में एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट इंडिया का है, ऐसे ही किसी को दे देना, ये इतना अफरा तफरी का जो अफरा तफरी में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। और अभी हम सबको पता है, इस पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया हर एक डिसीजन को बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से किसी भी डिसीजन को ले रहा है। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या डिफेंस के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या जो होम मिनिस्टर हैं, ये ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले कम से कम 100 बार समझना, बूझना और अपनी टीम के साथ बैठना बहुत जरूरी समझते हैं। बस यूं ऐसे अफरा तफरी पे कोई भी डिसीजन यहाँ पर इंडिया में लिया नहीं जाता है। पिछले 9 साल में हम सबको पता है, इस पूरी दुनिया को पता है कि पिछले 9 साल में भारत ने माशाल्लाह बहुत तरक्की की है और सिर्फ इस 2023 और 24 को सिर्फ सामने नहीं रखा जा रहा है। मोदी जी ने 2025 तक का 2000 आने वाले 25 साल के बारे में भी सोचा है और अपने माइंड में एक स्ट्रैटेजी सेट की है कि हम भारत को और कितना सक्सेसफुल, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, डिफेंस में स्ट्रांग, ग्राफ में स्ट्रांग, जीडीपी में स्ट्रांग हम कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए महवेश, मेड इन इंडिया की चीजों को हमें प्रमोट नहीं करना पड़ा, पर आज मेड इन इंडिया जो है वो इस दुनिया के कई देशों के साथ हमारा एक प्रोफेशनल मीटिंग हुई है, बहुत खूबसूरत मीटिंग हुई है। हमारा जो यूपीआई जो पेमेंट है उसको लेकर के डिजिटल इंडिया को देखते हुए बाकी यूएस ने उस पर असाइनमेंट लिया है, यूएस ने मेमोरेंडम लिया है, फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर के बात हो रही है। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये बेसिकली बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही मतलब एक जज्बाती अटैच्ड वाला है क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया है। तो आई होप, फिंगर क्रॉस्ड कि इंडिया जो भी डिसीजन लेगा और इंडिया की के जो स्पेसिफिक जो मिनिस्ट्री है इस लेवल को जो देखती है, इस चीजों को जो देखती है, वो डेफिनेटली जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ करके लेंगे। व्यक्तिगत मामले से अगर मुझे पूछा जाए तो नहीं देना चाहिए और बाकी तो डिपेंड करता है हमारे डेफिनेटली कैबिनेट मंत्री पर और इंडिया के जितने भी डायरेक्टर्स हैं या एजेंसीज हैं या इन चीजों के जो मसले मसाइल देखते हैं उनको उनके ऊपर पूरा पूरा निर्भर करता है। तो थोड़ा सा सेंटिमेंटल एक रहता ही है क्योंकि ब्रह्मपुत्र, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि बीइंग अ मुस्लिम मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं आती है कि ऋग्वेद ने ये बताया था कि सनातन और हिंदू धर्म पहले आया था। तो उसी तरीके से मुझे ब्रह्मपुत्र हुआ, भगवद्गीता हुई, बाइबल है या आप रामायण है या चाणक्य की जो स्टोरी है वो है, इन सब चीजों को मैंने बहुत गौर से पढ़ा है और ट्रांसलेट करके पढ़ा है। हालांकि ऋग्वेद जो है वो काफी टफ बुक है, संस्कृत में लिखी हुई है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ा है मैंने। तो मैं समझ सकती हूँ कि ब्रह्मपुत्र अगर एक मिसाइल का नाम दिया गया है तो वो कितना इमोशनली क्लोज होगा उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को फक्र से हिंदुस्तानी कहते हैं। ऐसे ही नाजिया जी, लेकिन आपने कहा कि नहीं देना चाहिए, क्या ना देने की वजह सिर्फ सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली वजह है या फिर क्योंकि रशिया के साथ ट्रेड तो हमेशा से चलती आ रही है या कोई और रीजन भी है? रशिया ने मांगा है इस चीज को साइड पे रख के, वो भी तो इगोइस्टिक हो सकते थे कि हम क्यों मांगे, इंडिया हमसे लेता है, बट देखें कितना नीचे आया वो। उन्होंने इंडिया को इतना सराहा है, इतना जो है ना इस काबिल समझा है। आज इंडिया जिस जगह पे है, पूरी ना सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया इस काबिल समझती है कि वो मैन्युफैक्चर करवाना चाहती है इंडिया से। बिल्कुल वैसी जैसे टाटा ग्रुप्स ने कहा कि आईफोन 15 और 15 प्लस हम इंडिया में लॉन्च करेंगे, मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पार्लियामेंट में भी इन बारे में बात हुई है, यहाँ तक कि कई बार नितिन गडकरी जी ने अपने हाथ की घड़ी दिखा करके कहा है कि देखो ये मेड इन इंडिया है, ये हिंदुस्तान का बना हुआ है। तो आज इतने बड़े बड़े ब्रिज हैं, रोड हैं, हाईवेज हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी डिजिटल चीजें हैं, वंदे भारत ट्रेन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेड इन इंडिया खुद बनाता है। मैंने कई बार इन बातों को कहा है कि हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। 9 साल में इंडिया इतनी तरक्की कर चुका है महविश कि अब हमसे लोग ले रहे हैं। आपने एक बात कही कि रशिया नीचे झुक करके मांगा है। हम देखिए ट्रेड को या रिलेशनशिप में हम झुकना या नीचे गिरना, हम ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे एकदम स्पेसिफिकली कहा कि ये व्यक्तिगत मेरी सोच है, मेरा कहना है, पर जो इस कैबिनेट को जो संभालते हैं, इस टीम को जो संभालते हैं, ये उनका निर्णय होगा कि आगे क्या करना है और ये वही डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा नाजिया जी, अब आते हैं दूसरे पहलू की जानेब। ये तो है हिंदुस्तान की तरक्की के चर्चा जिसको पूरी दुनिया आज अप्रिशिएट कर रही है, हिंदुस्तान के जो है ना इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रही है अपनी कारकर्दियों की वजह से। दूसरी जानेब पाकिस्तान में भी एक उभरती हुई खबर आपने सुनी होगी कि हिंदू मंदिर को सिंध के अंदर, कराची के अंदर जो है बुरी तरह से उन्होंने बिल्कुल ढा दिया है और वजह ये सामने आ रही है कि वहाँ पे कोई मॉल बनना है। मुझे बताएं इस चीज को किस नजर से देख रही हूँ और अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया से हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमानों की मस्जिदों के साथ, क्योंकि आप भी एक मुस्लिम हैं, तो क्या एनालिसिस करती हैं? सबसे पहली बात है कि मॉस्को में स्वीडन में जब कुरान जलाया गया था और स्वीडन में घुसपैठियों ने जब मुसलमान घुसपैठियों ने वहां पर अफरा तफरी का माहौल मचाया था, तब पाकिस्तान की सरकार से लेकर के पाकिस्तान की जनता और जितने भी आपके बड़े बड़े दाढ़ी और टोपी वाले हैं वो सड़कों पर नजर आए थे एहतजाज करते हुए। जब मंदिर तोड़ी गई, 150 साल की मंदिर को जब तोड़ा गया पुलिस की निगरानी में खड़ा करके, तब ऐसा कोई जुलूस निकला क्या आपके पाकिस्तान में? क्योंकि कुरान तो प्रोटेस्ट किया, जिनके घर वहां तबाह हुए सिर्फ उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और किसी ने नहीं किया, वो भी हिंदू थे। तो लेकिन कुरान तो कहता है मैं विश लकुम दीनकुम वलयदीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। कुरान ने तो 366 बार कहा है या अय्युहन नास ओह मैनकाइंड, तो ये मैनकाइंड कहाँ चला गया? है ना? अब मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए क्योंकि आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। अब आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर मस्जिद तोड़ी जाती, आपने ये बात कही है अभी, ठीक है, जो मंदिर 150 साल की टूटी थी महविश, सैटरडे और द फर्स्ट इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन सैटरडे एंड द सेकेंड इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन संडे, ठीक है, क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी? क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये डेमोलिशन का ऑर्डर दिया? क्या वो लैंड डिस्प्यूटेड था? आज सच कोई चीज सामने नहीं आई। तो आप जिस मंदिर की तरफ इशारा कर रही हैं ना हिंदुस्तान में, उस मंदिर पर एक डेकेड तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक डेकेड का मतलब समझती है ना कितना साल हुआ? 10 साल। एक डेकेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये जगह दी कि आप साबित करें कि यह आपकी मस्जिद है। जब वो साबित नहीं कर पाए तो कानूनी एक बड़े बैटल के बाद हिंदुओं ने अपनी जगह को, अपने मंदिर को, अपनी आस्था को कानूनी तरीके से जीता और तब फिर वहां पर राम मंदिर की स्थापना रखी गई। हमारे यहाँ हाय बबेला और छाती पीटने से न्याय नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कोर्ट के अंदर जाकर के गुहार लगाना पड़ता है। सबूतों के तथ्य और सबूतों के सत्य के आधार पर हमारे यहाँ न्याय मिलता है। आज आपके घर में अगर कोई आकर के कह दे कि ये मेरे अब्बा का मजार था या मेरे दादा का मजार था, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, तो क्या आप मान जाइएगा? तो उसी तरीके से हिंदुओं के सेंटिमेंटल अटैचमेंट थे उसमें, हिंदुओं की आस्था थी उस पर, हिंदुओं का एक विश्वास था उस पर, और तब भी उन्होंने एक डेकेड कानूनी लड़ाई लड़ी, हर एक तथ्य और सत्य को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रखा और हर बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बराबरी से उनके सत्य और तथ्य को सामने रखने का मौका दिया गया। फिर भी वो साबित नहीं कर पाए। फिर भी सरकार, इसी भारत की सरकार ने उनको कई एकड़ जमीन दिया कि आप यहाँ पर मस्जिद बना सकते हैं आपने। तो हमारे यहाँ छाती पीटने से न्याय नहीं मिलता है। हमारे यहाँ कानूनी कार्रवाई से और सबूत के आधार पर न्याय मिलता है, चाहे वो कोई भी न्याय। मंदिरें तोड़ने से आप आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, आप विश्वास को चोट पहुंचा रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं कर्ज ले रहे हैं। हाँ, अगर वो अवैध निर्माण था, पाकिस्तान की वो 150 साल की मस्जिद अगर अवैध निर्माण थी, अगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही थी, अगर किसी सुपीरियर कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पाकिस्तान के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नहीं इसको तोड़ देना चाहिए, तब इस पर हमारा कोई हक नहीं है बोलने का और हिंदुओं का भी कोई हक नहीं है बोलने का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट बिकॉज कि एक लैला मजनू की कहानी में हिंदुस्तानियों को चमकाने के लिए, हिंदुस्तानियों को डराने के लिए जाखरानी कबीला के कुछ डकैत एक वीडियो वायरल करने के बाद हिंदुओं की मंदिर तोड़ करके वो ये सोच ले रहे हैं कि सनातनियों को तोड़ देंगे, हिंदू धर्म को थोड़ा सा हिला देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है, ये पॉसिबल नहीं। पाकिस्तान में जो मंदिर तोड़ी गई है, क्या ये कोई नई बात है? जिन्ना के जमाने से हजारों मंदिरें तोड़ दी गई। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या ये कोई नई बात है? हजारों केसेस तो आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के जो कमीशन है उन्होंने रखे हैं तथ्य सामने में, कई फाइल तो उन्होंने सामने में रखी है मीडिया के। 30 लोगों को जो किडनैप किया गया है, क्या ये सही है? जाखरानी कबीला जिस तरह से सीमा को वापस बुलाने के लिए धमकियां दे रहा है हिंदुस्तान को कि सीमा को वापस भेजो नहीं तो हिंदुओं की बच्चियों के साथ हम बलात्कार करेंगे, उनको मोलेस्ट करेंगे। हिंदुओं की बच्चियों के साथ बलात्कार और मोलेस्टेशन और धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में बहुत पुरानी बात है। मैं पूछना चाहती हूँ आपके पाकिस्तान की सरकार से कि क्या सीमा को हमने बुलाया था? क्या सीमा को हमने रखा हुआ है? क्या सीमा को हमने कहा था कि मोहब्बत कर लो? हमें तो पता भी नहीं था कि